हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी लोग भी इसको देख सकते हैं अपनी रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सिलॉजिज्म, जिसको हम लॉजिकल डिडक्शन भी बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और उसके बेसिस पे हमें कुछ कंक्लूजन्स भी दिए जाते हैं। फिर हमें ये बताना होता है उन कंक्लूजन्स में से कि कौन सा कंक्लूजन सही है या फिर कौन से वाले कंक्लूजन्स सही हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो स्टेटमेंट्स या कंक्लूजन्स दिखते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं। सम कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, नो कैट इज अ डॉग। तो ये जितने भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन स्टार्ट हो रहे होते हैं, ये स्टार्ट हो रहे होते हैं ऐसे वर्ड से, जैसे सम, ऑल, सम के साथ नॉट यूज हो रहा होगा या नो से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक, इन वर्ड्स के अलावा भी जिन वर्ड्स से ये स्टेटमेंट या कंक्लूजन स्टार्ट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं कि उनको हम कैसे यूज करते हैं। तो वर्ड्स लाइक फ्यू, मोस्ट, मैनी, मोर आर ट्रीटेड एज सम। ठीक है, तो जितने भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन फ्यू, मोस्ट, मैनी या मोर वर्ड से स्टार्ट हो रहे होंगे उन सबको हम सम की तरह ट्रीट करेंगे। उसी टाइप से वर्ड्स लाइक नॉट ऑल, ऑल आर नॉट आर ट्रीटेड एज सम आर नॉट। ठीक, तो हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन है जो नॉट ऑल या ऑल आर नॉट से स्टार्ट हो रहे होंगे तो उनको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम सम आर नॉट वाले स्टेटमेंट या कंक्लूजन को ट्रीट करते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स को डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सम वाले स्टेटमेंट्स की। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे सम कैट्स आर डॉग लिखा है, तो इसमें दो चीजें दिखानी हमें, कैट्स और डॉग्स। इन दोनों को हम दो अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक से हम कैट्स को दिखाएंगे, दूसरे से हम डॉग्स को दिखाएंगे। ठीक है, तो जो सम वाला केस होगा उसको हम इस टाइप से दिखाते हैं। मान लो एक जो ये वाला सर्कल था ये कैट्स के लिए, हमने इसको सी से रिप्रेजेंट किया, और ये दूसरा वाला सर्कल डॉग्स के लिए, इसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया। तो जब हमने सम कैट्स आर डॉग्स दिखाना है तो इसका मतलब कुछ कैट्स डॉग्स हैं, तो कुछ कैट्स जो डॉग्स हैं वो ये वाला पोर्शन है, बाकी जो कैट्स हैं वो डॉग्स नहीं है, तो वो ये वाला हिस्सा अलग है। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, सम कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, तो कुछ कैट्स जो हैं वो डॉग्स हैं, तो ये पूरा जो है ये सब कैट्स हैं, इसमें से कुछ कैट्स जो है वो डॉग्स हैं, तो ये इतना वाला हिस्सा जो है कैट्स का वो डॉग्स हैं, बाकी जो कैट्स बची वो डॉग्स नहीं है। तो सम वाले केस को हम दो टाइप से दिखा सकते हैं, या तो हम सिर्फ पार्शियल ओवरलैपिंग दिखाएं, ठीक है, हल्का सा ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए जा रहे हो, या फिर ऐसा हो कि एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड हो। ठीक है, तो एक जो है वो दूसरे के अंदर हो, तो इस टाइप से भी हम सम वाले केसेस को दिखा सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऑल की, ऑल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है ऑल कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, तो जितनी कैट्स हैं वो सबकी सब डॉग्स हैं, तो जो कैट्स है इसका मतलब वो डॉग्स के कैटेगरी के अंदर ही आ रही होंगी, तो जो कैट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और डॉग्स को बाहर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी ऑल का केस आएगा तो आप इसी टाइप से उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो अब बात करते हैं नो वाले केस की। तो जितने भी स्टेटमेंट नो से स्टार्ट होते हैं उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है नो कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे नो कैट्स आर डॉग्स है तो उसका मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों को हम अलग अलग दिखाएंगे। ठीक है, कैट्स को अलग दिखा देंगे, डॉग्स को अलग दिखा देंगे। तो अब बात करते हैं सम आर नॉट वाले केस की। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। ठीक है, तो यहाँ पे सम आर नॉट इंक्लूड हो रहा है, तो इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कैट्स दिखाई है, यहाँ पे डॉग्स दिखाई है, तो ये वो वाला पोर्शन है जो दोनों में इंक्लूडेड है, यानी कुछ कैट्स डॉग है या कुछ डॉग्स कैट्स है वो ये वाला पोर्शन है। अब बात यहाँ पे ये हुई है सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, तो कुछ कैट्स डॉग नहीं है, तो ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा सम आर नॉट वाले पोर्शन को। ठीक है, तो क्योंकि ये डॉग्स के साथ इंक्लूड नहीं हो रहा, तो सम आर नॉट को हम इस टाइप से दिखा सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये सम आर नॉट वाला पोर्शन है। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये सब कैट्स हैं और इसके अंदर इतना पोर्शन डॉग्स का, तो जो बाकी पोर्शन बचा वो डॉग्स नहीं है, तो ये वाला जो हमने ये शेडेड रीजन दिखाया, तो ये वाला जो ये शेडेड रीजन है, ये वाला जो पोर्शन है ये है सम आर नॉट्स वाला केस। ठीक, तो अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की। तो इनका आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल होता है, तो इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब ये हुआ जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो। ठीक है,
जैसे सम का जस्ट अपोजिट होता है नो, उसी टाइप से ऑल एंड सम आर नॉट जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। सम एंड नो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल एंड सम आर नॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। तो अब बात करते हैं बेसिक डायग्राम की और ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स की। तो जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम डायग्राम की फॉर्म में दिखाते हैं, और वो जो डायग्राम्स होते हैं उसको एक से ज्यादा तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक, तो उनमें जो हम सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम बना सकते हैं उसको हम बेसिक डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे कम ओवरलैपिंग हो रही हो, यानी जिसमें चीजों के बीच में कम से कम रिलेशन शो हो रहे हो, उस डायग्राम को हम बेसिक डायग्राम बोलते हैं। ठीक, और इसके अलावा जितने भी हम डायग्राम्स बना सकते हैं उन्हीं स्टेटमेंट्स पे वो हमारे ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स होते हैं। तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ताकि चीजें हमें ज्यादा क्लियर हो कि बेसिक डायग्राम क्या होता है और ऑल्टरनेटिव डायग्राम क्या होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, ऑल अम्ब्रेलाज आर एरोप्लेन, और दूसरा स्टेटमेंट है सम एरोप्लेन्स आर बर्ड्स। ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक, पहला तरीका तो ये है, ऑल अम्ब्रेलाज आर एरोप्लेन लिखा है तो ये अम्ब्रेला शो करे हमने, और सारे के सारे अम्ब्रेला जो है वो एरोप्लेन है, इसलिए जो अम्ब्रेला है वो एरोप्लेन के अंदर आएगा। ठीक है, यानी अम्ब्रेला की जो कैटेगरी है वो एरोप्लेन की कैटेगरी से छोटी है तो वो इसके अंदर कंटेन होगी। ठीक, और दूसरा जो है सम एरोप्लेन्स आर बर्ड्स, तो कुछ जो एरोप्लेन्स हैं वो बर्ड्स हैं, तो कुछ पोर्शन हमने एरोप्लेन्स का बर्ड्स में इंक्लूड कर लिया, तो एक टाइप से डायग्राम ऐसे बन सकता है। और दूसरे टाइप से इस डायग्राम को ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो पहले वाला केस तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ऑल अम्ब्रेलाज आर एरोप्लेन, तो ये अम्ब्रेला अंदर की तरफ दिखा दिया हमने, एरोप्लेन बाहर दिखा दिया। दूसरा जो था इसमें सम एरोप्लेन्स आर बर्ड्स, तो कुछ एरोप्लेन्स बर्ड्स हैं, तो हम इसको इतना ना इंक्लूड करके और थोड़ा सा और इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन भी एरोप्लेन में ही आ रहा है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इस केस में अम्ब्रेला भी बर्ड्स में इंक्लूड हो गया। ठीक, तो ये इसका थोड़ा सा वेरिएशन हो गया दूसरा। ठीक, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा बेसिक डायग्राम है और कौन सा ऑल्टरनेटिव डायग्राम। तो बेसिक डायग्राम वो है जिसमें कम से कम ओवरलैपिंग दिख रही है या कम से कम चीजों के बीच में रिलेशनशिप दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है और ये इसके अंदर पहले से है। ठीक, इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो अम्ब्रेलाज एरोप्लेन के अंदर है, इसके साथ इसका रिलेशन है। इसी टाइप से जो बर्ड्स हैं उसका रिलेशन है एरोप्लेन के साथ, और बर्ड्स का रिलेशन अम्ब्रेला के साथ भी है, तो इसमें रिलेशन जो है या ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा है। तो ये हुआ ऑल्टरनेटिव डायग्राम हमारा, और ये जो हुआ वो हुआ हमारा बेसिक डायग्राम। तो अब बात करते हैं गाइडलाइंस टू चेक द कंक्लूजन्स। तो हमारे पास जो भी कंक्लूजन्स हैं उनको कैसे चेक करना है कि वो कंक्लूजन सही है कि नहीं है, उसके लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं अफर्मेटिव या नेगेटिव कंक्लूजन या स्टेटमेंट की बात करना चाहूंगा। तो आपको जहां पर भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिखते हो जहां पे सम या ऑल जैसे वर्ड्स का यूज होता हो जिनका कोई पॉजिटिव मतलब बनता हो, उनको हम अफर्मेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक, इसी टाइप से आपको जो स्टेटमेंट या कंक्लूजन ऐसे दिखते हैं जिसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज होता है, जैसे नो, सम आर नॉट, ऑल आर नॉट, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम नेगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक, तो जो पहली गाइडलाइन आपको ध्यान रखनी है वो है, इफ अफर्मेटिव कंक्लूजन इज ट्रू फॉर बेसिक डायग्राम देन इट इज ट्रू फॉर ऑल द ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स एंड thus the conclusion is true। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कंक्लूजन को चेक कर रहे हो, एफर्मेटिव कंक्लूजन को जो पॉजिटिव हो नेचर में, और आप अगर उसको चेक कर रहे हो और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बेसिक डायग्राम में बिल्कुल ट्रू है या बिल्कुल ट्रू बैठता है बेसिक डायग्राम में, उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस कंक्लूजन को और ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स में भी देखोगे तो उन सबके लिए भी वो ट्रू होगा। तो इसका मतलब ओवरऑल वो जो कंक्लूजन है वो ट्रू है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक दिया है ऑल कैमराज आर रेडियो और दूसरा दिया है सम स्टैचूज आर कैमराज। ठीक है, तो जो हमारे पास कंक्लूजन है जो हमें चेक करना है वो है सम रेडियोज आर स्टैचूज। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक डायग्राम बनाएंगे। तो जो इसका बेसिक डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, तो ऑल कैमराज आर रेडियो, तो कैमरा अंदर बनेगा रेडियो इसके बाहर से, क्योंकि कैमरा छोटी कैटेगरी है, रेडियो उससे बड़ी कैटेगरी है। ठीक, सम स्टैचूज आर कैमरा, तो कुछ स्टैचूज को हम, जो स्टैचूज का डायग्राम है उसको हम कैमरा के डायग्राम से ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, उसके एक के ऊपर एक बना लेंगे उसे। ठीक, अब हमें चेक करना है सम रेडियोज आर स्टैचूज। ठीक,
तो जो हमने पहली गाइडलाइन पढ़ी है वो ये कि अगर कोई भी कंक्लूजन पॉजिटिव है और अगर वो हमें बेसिक डायग्राम में ट्रू दिख रही है तो वो जितने भी इसके ऑल्टरनेटिव डायग्राम है उन सब के लिए भी ट्रू होगी और वो जनरल में भी वो कंक्लूजन ट्रू होगा। तो अगर मैं इसको देखूं, सम रेडियोज आर स्टैचू, तो सम रेडियोज आर स्टैचू, तो यहां से हम डायग्राम से साफ साफ देख पा रहे हैं कि कुछ रेडियो स्टैचू भी हैं, तो ये कंक्लूजन इसके लिए सही हो रहा है। तो क्योंकि ये इसके लिए सही हो रहा है तो ये सारे ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स के लिए भी ट्रू होगा और ये कंक्लूजन जनरल में भी ट्रू होगा। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है हमारे पास, सम रेडियोज आर स्टैचूज, ये ट्रू होगा इसके लिए। तो जो दूसरा पॉइंट है इस गाइडलाइन का वो ये कि इफ एफर्मेटिव और नेगेटिव कंक्लूजन इज फॉल्स फॉर बेसिक डायग्राम देन इट इज फॉल्स फॉर ऑल ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स एंड दस द कंक्लूजन इज फॉल्स। ठीक है, तो अगर आप किसी कंक्लूजन को चेक कर रहे हो और वो एफर्मेटिव है या पॉजिटिव है नेचर में या वो नेगेटिव है नेचर में और आप उसको अगर बेसिक डायग्राम में चेक कर रहे हो तो वो वहां पर सही नहीं है या वो बेसिक डायग्राम में चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है तो वो किसी भी ऑल्टरनेटिव डायग्राम में सही नहीं होगा। और अगर वो किसी भी ऑल्टरनेटिव डायग्राम में सही नहीं है तो इसका मतलब वो कंक्लूजन ही सही नहीं है। ठीक, तो वो कंक्लूजन ही फॉल्स हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है, ऑल कैमराज आर रेडियोज, सम स्टैचूज आर कैमराज। ठीक है, तो इसके जो कंक्लूजन हमें चेक करने हैं वो ये, ऑल रेडियोज आर स्टैचूज और दूसरा है नो रेडियो इज स्टैचू। ठीक है, तो हमें एक एफर्मेटिव कंक्लूजन चेक करना है और एक नेगेटिव कंक्लूजन को चेक करना है। ठीक, तो हम इसका पहले बेसिक डायग्राम बना लेंगे। तो बेसिक डायग्राम इसका कुछ ऐसा बनेगा। हमने दूसरे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई एफर्मेटिव कंक्लूजन है या नेगेटिव कंक्लूजन है, अगर वो दोनों के दोनों हमें बेसिक डायग्राम में गलत दिख रहे हैं तो वो कंक्लूजन दोनों गलत होंगे। ठीक, तो हम इन दोनों को चेक करते हैं। तो ऑल रेडियोज आर स्टैचूज, तो अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे रेडियोज स्टैचूज नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है हमें साफ साफ कि सारे रेडियोज स्टैचू नहीं है। हाँ, अगर उल्टा होता, सारे स्टैचूज रेडियोज बोला होता तो वो हो सकता था, लेकिन सारे रेडियो स्टैचूज नहीं है तो इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है। ठीक, तो ये कंक्लूजन क्योंकि इस बेसिक डायग्राम में गलत है तो ये ओवरऑल भी ये कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक, तो अब बात करते हैं दूसरे कंक्लूजन की जो है नो रेडियो स्टैचू। तो अगर हम रेडियो देखें और स्टैचू देखें तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रेडियो स्टैचू नहीं है, कुछ रेडियो जो है वो स्टैचू है, तो इसका मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है ये भी गलत हो गया। ठीक, तो क्योंकि ये दोनों के दोनों कंक्लूजन इस बेसिक डायग्राम में गलत दिख रहे हैं तो ये दोनों कंक्लूजन जो होंगे वो गलत होंगे। ठीक, तो इसकी जो तीसरी गाइडलाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए। जो गाइडलाइन है वो है, इफ नेगेटिव कंक्लूजन इज ट्रू फॉर बेसिक डायग्राम देन इट मे और मे नॉट बी ट्रू फॉर ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स एंड दस कंक्लूजन मे और मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो जब भी हम नेगेटिव कंक्लूजन को चेक कर रहे हों और अगर हम उसको बेसिक डायग्राम में ट्रू देखते हैं तो इसका मतलब वो जो ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स बनेंगे उसके उसमें वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ वो कंक्लूजन या तो सही होगा या तो वो गलत भी हो सकता है। ठीक, तो अब ये क्लैरिफाई करने के लिए कि वो कंक्लूजन सही है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन था उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन को चेक करेंगे बेसिक डायग्राम में। अगर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन है वो अगर सही होता है यानी वो ट्रू होता है तो जो हमारा ओरिजिनल वाला नेगेटिव कंक्लूजन था जिसको हम चेक कर रहे थे वो गलत हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा देखें तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो हम चेक कर रहे थे वो अगर गलत होता है तो जो हमारा ओरिजिनल नेगेटिव कंक्लूजन था वो सही हो जाएगा फिर। तो इस टाइप से हम क्लियर कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर कंक्लूजन हम चेक कर रहे हैं वो ट्रू है कि नहीं है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल कैमराज आर रेडियोज और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है सम स्टैचूज आर रेडियोज। ठीक है, और जो कंक्लूजन हमें चेक करना है वो है नो कैमरा इज स्टैचू। ठीक, तो मतलब हमें नेगेटिव कंक्लूजन को चेक करना है तो हम पहले इसका बेसिक डायग्राम बनाएंगे। तो बेसिक डायग्राम कुछ इसका ऐसा बनेगा, तो ऑल कैमराज आर रेडियोज, तो कैमरा अंदर बनेगा, रेडियोज के बाहर बनेगा। दूसरा जो है सम स्टैचूज आर रेडियोज, तो हम कुछ स्टैचूज को रेडियोज के साथ ओवरलैप कर लेंगे उसका रिलेशन दिखाने के लिए। तो इस टाइप से बेसिक डायग्राम बन गया इसका क्योंकि इसमें सबसे कम ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये इसका बेसिक डायग्राम हो गया। अब अगर मैं इसका ये नेगेटिव कंक्लूजन इसमें चेक करूं तो नो कैमरा इज स्टैचू, तो अगर मैं यहां देखूं तो कैमरा और स्टैचू में कोई रिलेशन नहीं है, तो उस हिसाब से ये नेगेटिव कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो रहा है।
और हमने तीसरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि अगर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन किसी भी बेसिक डायग्राम में अगर ट्रू होता है तो इसका मतलब वो कंक्लूजन बाकी ऑल्टरनेटिव डायग्राम्स के लिए भी ट्रू या फॉल्स हो सकता है। इसका मतलब ये कंक्लूजन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कंक्लूजन था इसका कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन को हम चेक करेंगे एक ऑल्टरनेटिव डायग्राम में। ठीक, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन हुआ वो होगा सम कैमराज आर स्टैचू। ठीक है, तो नो कैमराज स्टैचू का कॉम्प्लीमेंट्री होगा सम कैमराज आर स्टैचू। तो हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया जिसमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम शो कर रहे हैं। ठीक, अब हमने एक डायग्राम बना दिया जिसमें हम सम कैमराज आर स्टैचू दिखा रहे हैं, तो कैमरा और स्टैचू में हमने रिलेशन दिखाया। अगर ये रिलेशन दिखाने के बाद भी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो चेंज नहीं होते हैं, मतलब इस फिगर में वो स्टेटमेंट अभी भी ट्रू नजर आ रहे हैं हमें, तो इसका मतलब जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन बनाया वो ट्रू है। ठीक, तो जैसे अगर हम इनको चेक करें यहाँ पे ऑल कैमराज आर रेडियो, तो ऑल कैमराज आर रेडियो अभी भी दिख रहा है, ये सही है। दूसरा अगर मैं देखूं सम स्टैचूज आर रेडियो, तो सम स्टैचूज आर रेडियो ये भी अभी भी सही है। तो इसका मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमने चेक किया सम कैमरा इज स्टैचू वो सही है। तो अगर वो कंक्लूजन सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ओरिजिनल वाला कंक्लूजन था वो अब गलत हो जाएगा। ठीक है, वो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला कंक्लूजन जो था अगर वो फॉल्स होता तो हमारा ओरिजिनल वाला कंक्लूजन तब ट्रू होता। तो बात करते हैं आप कुछ चीट कोड्स की जिनको यूज करके आप क्वेश्चंस को और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला है वो ये कि जनरली व्हेन देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजंस देन ईदर एन और ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दिख रहे हैं, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में ईदर एन और वाला जो ऑप्शन होता है वो उसका आंसर होता है। दूसरा जो है इसमें वो है व्हेन ऑल स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इन सच केसेस नन ऑफ दीज ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो नेगेटिव है, तो अगर सारे स्टेटमेंट नेगेटिव्स हैं तो कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केसेस में जो आंसर होता है ऑप्शन वो होता है नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट चीट कोड की जो है व्हेन ऑल कंक्लूजंस आर अफर्मेटिव बीडी इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपके पास सारे कंक्लूजन पॉजिटिव है तो जो आपने बेसिक डायग्राम बनाया है सिर्फ उससे देख के ही आप आंसर निकाल सकते हो उस क्वेश्चन का। तो आज हमने लॉजिकल डिडक्शन के कुछ बेसिक्स के बारे में जाना, उसके गाइडलाइंस के बारे में जाना, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।